रिवी ब्लॉग में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। ईस्टर काफ़ी निकट है और ऐसे में हम ईस्टर की तैयारी कर रहे हैं। अपने प्रियजनों की कब्रों की साफ सफाई के साथ हम ईस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम कब्रस्थान जाके कि कैसे हम अपने प्रियजनों की कब्रों की साफ सफाई कर रहे हैं और इसी कब्रस्थान में ईस्टर के दिन सुबह भोर में आराधना होगी और ईस्टर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम ईस्टर क्यों मनाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन ईसु मरे हुओं में से पुनर्जीवित हो गए थे। इसी पुनरुत्थान की खुशी में हम ईस्टर का यह त्यौहार मनाते हैं और काफ़ी धूमधाम के साथ हम ईस्टर का त्यौहार इस कब्रस्थान में भोर में मनाएंगे। और अभी एक महीना पहले से कब्रों की साफ सफाई चल रही है और यह जो काम है कब्रों का साफ सफाई, ये शनिवार के दिन तक हमें पूरा करना है ताकि हम संडे की भोर में ईस्टर का त्यौहार मना पाएं। तो इसके लिए हरेक लोग अपने अपने प्रियजनों की कब्रों की सफाई में लगे हुए हैं और शनिवार के दिन तक हम इस कब्र को पूरी तरह साफ सफाई के साथ शनिवार के दिन हम इसे कब्रों की रंगाई करेंगे और संडे की भोर में हम इसी जगह पर आकर ईस्टर की जो पर्व है उसे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हरेक लोग अपने अपने प्रियजनों की कब्रों की साफ सफाई में लग चुके हैं और साल में एक बार हम अपने प्रियजनों की कब्रों की साफ सफाई करते हैं और ईस्टर के दिन हम उनके कब्रों पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और ईस्टर का यह त्यौहार हम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो ये मेरे मम्मी और पापा का कब्र है और बहुत से लोग अपने अपने कब्रों की सफाई खुद से करते हैं और बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होने की वजह से ये लोग दूसरों को भी अपने कब्रों की सफाई करने का जिम्मा देते हैं ताकि कब्रों की साफ सफाई टाइम से हो सके। और रविवार के दिन यानी 31 तारीख को हम सुबह भोर में इसी कब्रस्थान पर आके ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे और अपने प्रियजनों की कब्रों पर फूल और मोमबत्ती चढ़ा के हम अपने प्रियजनों की कब्रों को सजाएंगे। तो इस तरह हम कब्रों की साफ सफाई के साथ ईस्टर की तैयारी कर रहे हैं और ईस्टर के दिन हम इसी कब्रस्थान पर आकर अपने प्रियजनों के साथ ईस्टर का त्यौहार मनाएंगे। और जो ईस्टर का जो त्यौहार हम कैसे मनाएंगे वो भी मैं आगे वीडियो इसका शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं गोबर और मिट्टी के साथ हम अपने प्रियजनों की कब्रों की लिपाई कर रहे हैं और बारिश होने की वजह से काफ़ी ख़राब भी ये जो हमारे प्रियजनों के कब्र हैं हो चुके हैं और बार बार आके हमें इन कब्रों की लिपाई करनी होती है और हमें शनिवार के दिन तक इसे तैयार करना होता है ताकि हम संडे के दिन भोर में इसी जगह पर आके आराधना कर पाएं, ईस्टर की आराधना कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।